नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सर्वत और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। भाई, दिन भर इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत कुछ हुआ, तो कुछ चीज़ें आप ही जान लीजिए। 30 जून 2013 को कर्नाटक सरकार ने एक हेल्पलाइन शुरू की थी। इसका नाम रखा गया था आरोग्यवाणी। 104 डायल करके कोई भी अपनी सेहत से जुड़ी दिक्कतों के बारे में जानकारी ले सकता था। कॉल करने पर हेल्पलाइन वाले सबसे नज़दीकी सरकारी अस्पताल की जानकारी देते थे और उसके बाद प्राइवेट सुविधाओं की। लगभग 1.5 साल के अंदर ही उन्हें 10 लाख के आसपास कॉल्स आए। अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है, कर्नाटक एवेल्यूशन अथॉरिटी नाम की एक संस्था है, सरकार की ही है। इसने 2013 और 14 और 16 और 17 के बीच 104 नंबर हेल्पलाइन पर किए गए फोन कॉल्स को जांचा और परखा और रिजल्ट बताए। डेक्कन हेरल्ड में छपी खबर के मुताबिक अधिकतर लोगों ने सेक्स से जुड़ी समस्याओं पर बात की और उसका इलाज पूछा। ये समस्याएं थी शीघ्र पतन, सेक्स के दौरान दर्द होना, गर्भ निरोधों का इस्तेमाल करना इत्यादि। यानी लोगों की कुल मिलाकर के जो सारी दिक्कतें थी वो सेक्स संबंधी थी। अपनी हेल्थ से जुड़ी उन्हीं ने वैसे कोई जानकारी इस हेल्पलाइन से नहीं। खबर है चंडीगढ़ से, एक वीडियो है। रेड लाइट के ग्रीन होते ही ट्रैफिक पुलिस लोगों को जाने का इशारा करती है। सड़क के बीच ट्रैफिक पुलिस के लिए कोई बूथ नहीं है, तो वो सड़क के बीच में ही खड़े होकर ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। तभी एक बस काफी तेजी से आती है और वहां खड़े ट्रैफिक पुलिस को टक्कर मार देती है। हालांकि इसके बाद कुछ लोग उन्हें बचाने के लिए आते हैं। वीडियो को चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस SSP के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया है। इसके मुताबिक ट्रैफिक पुलिस जो खड़े थे वहां पे, उनका नाम था कुलदीप सिंह। घटना चंडीगढ़ के कालीबाड़ी मंदिर के चौराहे की है। ट्वीट में जो वीडियो है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कुलदीप सिंह गाड़ियों को हाथ दिखाकर जाने के लिए कह रहे हैं और सभी गाड़ियां जा भी रही हैं, पर तभी एक बस बहुत तेज स्पीड में आती है और कुलदीप को टक्कर मार देती है। ट्वीट के मुताबिक कुलदीप अस्पताल में भर्ती हैं और आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस ट्वीट के बाद लोग भी कुलदीप सिंह के जल्दी ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं। लव स्टोरी बताती एक फोटो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। सुदीप चक्रवर्ती नाम के एक फोटोग्राफर ने ये तस्वीर अपने पेज पर डाली। इस फोटो में एक बूढ़ा कपल मेट्रो में बैठा हुआ है। आदमी थोड़ा ज्यादा बूढ़ा है, वो काफी कमजोर है। उसके बगल में बैठी एक बूढ़ी औरत बड़े प्यार से उसके सिर पर स्कार्फ लपेट रही है, उसे ठंड से बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। उनके पीछे LIC का एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है कि खुशियों की शुरुआत और जिंदगी भर का साथ। उनकी ये तस्वीर बहुत कुछ बोल रही है और काफी स्वीट भी है और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पसंद भी की जा रही है। जाते जाते थोड़ा हंस लेते हैं। YouTube स्टार भुवन बाम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और ट्रोलिंग और मीम्स बनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हाल ही में एक यूजर ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन भुवन उससे आहत नहीं हुए और खुद उस मजाक में शामिल हो गए। हुआ ये कि नम्रता दत्ता नाम के एक यूजर ने भुवन की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मैं अपने बच्चों को बताने वाली हूँ कि ये दाढ़ी वाली आलिया भट्ट थी। भुवन इस फोटो को रिट्वीट करते हुए लिखते हैं कि मैंने इसे देखकर फोटोग्राफर से जो पहली बात कही थी वो यही थी, थत मुझे लगता है कि मैं आलिया भट्ट की तरह दिखता हूँ। आप भी ये तस्वीर देखिए, भुवन बिल्कुल दाढ़ी मूछों वाली आलिया लग रहे हैं। अब ये उनकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रही है और लोग बहुत मजेदार मीम्स बना रहे हैं। तो चलिए, अब हमको इजाजत दीजिए। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी लल्लनटॉप को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।